हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाया हुआ है। सिर्फ एक रुमाल की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप हल्की ठंडी में इसे इजिली पहनाएं कान्हा जी को। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 5 नंबर के कान्हा जी को पहनाया हुआ है और वीडियो के एंड में आपको 6 नंबर के कान्हा को भी पहना के दिखा दिया है। ये देखिए, यहाँ पे 6 नंबर के कान्हा जी भी बैठे हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये रुमाल ली हुई है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये हमारा इधर से है 9.5 इंच और इधर से ये जो है हमारा ये 10 इंच है। एक साइड से थोड़ी सी अधिक ये लंबी होती है। अगर आप इसे देखें इस तरह से फैलाएंगे तो देखिए ये फैल रही है, ये देखिए ये फैल रही है इस तरह से है। ये ऐसे ही आती है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल होती है कान्हा जी के लिए। तो आप इसे कान्हा जी की पोशाक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारी सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। तो हमने सीधी साइड से इसे रखा है। हम क्या करेंगे, ये इसकी ये जो कुनाई है बस इसी पे इसे इस तरह से हमें सेट करना है। ये देखें, ये हमने इस तरह से इसे सेट किया। एक बार हमने मोड़ा, इसे हम एक बार और मोड़ेंगे। ये टोटल हमने इसे 2 बार मोड़ लिया। देखें इस तरह से इसकी आएगी। ये हमने इसे 2 बार मोड़ा, अब हम इसे अच्छे से सीधा करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको मोड़ के दिखाती हूँ। देखें, ये है हमारी सीधी साइड, इसको हम इधर से इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। ये एक बार मैंने मोड़ा, इसे हम अच्छे से बराबर करेंगे और फिर हम इसे यहाँ से एक बार और मोड़ देंगे। इसी पे हमें इसे 2 बार मोड़ लेना है। ये देखिए, ये हमने इसे 2 बार मोड़ दिया। यहाँ पे आपको इस तरह से ये दिखेगा ऐसे करके। अब ये जो हमने यहाँ पे जिसे जहाँ से मोड़ा हुआ है यहीं पे हम अपना मार्क लगाएंगे। तो देखिए, ये ऊपर से हमें यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लेना है। ये इस तरह से यहाँ पे हम 5 इंच का मार्क करेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बता रही हूँ गैस। ये देखिए, 5 इंच भी मैंने इस तरह से ऐसे सीधा मार्क किया और यहाँ ऊपर की साइड से इस कोनाई पे जो है हम अपना ये देखें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, ये 3.5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मार्क को ऐसे मिला देंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए, एकदम सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ आपको, बहुत आसानी से आप भी इसे बना लेंगे। बस इसे हमें यहीं से कट करना है। ये एक बार हमने इधर से कट किया और फिर एक बार हम इसे इधर से कट कर लेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। ये ऐसे करके इसमें हमारी कैप भी आएगी और अभी हमें यहाँ पे इसमें अपनी स्लीव भी अटैच करनी है। आप देखिए कितना सिंपल और इजी तरीके से मैंने इसे कट किया। अब देखिए गाइस, इसका ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये देखिए, ये वाला तो हमारा लॉक है बट इधर से ये इतनी दूर हमारा लॉक नहीं है। जो हिस्सा हमारा लॉक नहीं है तो उसे चाहे तो आप पाइपिंग की हेल्प से भी लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इस तरह से ऐसे पट्टी ले लें, ऐसे ही मैंने पट्टी ली हुई है और ये पट्टी है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि और ये पट्टी कैसे कट करें, और अगर आपको नहीं वीडियो मिली है तो आप मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें सिर्फ नेफा बनाना बताया उस वीडियो में, वहां पे मैंने आपको और ये पट्टी कट करना बताया है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, ये इस तरह से ऐसे रखना है सीधी साइड से, सीधी साइड से इसके ऊपर इस तरह से रखें और रखने के बाद यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएं। सिलाई जब एक इधर से लग जाए तो फिर आप इसे ऐसे पीछे की साइड पलट के और यहाँ थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दे तो ये आपका लॉक हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पे सिंपली लेस भी लगा सकते हैं। इसमें से रीस वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे, एक बार में सिर्फ रेसे निकलते हैं जब आप इसे कट करते हैं, तो उसके बाद यहाँ से कोई भी रेसे नहीं निकलेंगे। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में लेस ली है। मैं यहाँ पे इस तरह से इसे यहाँ सीधा लगाऊंगी, फिर ऐसे करके हम इधर लगाएंगे और पूरा यहाँ से ये यहाँ ये ऐसे इधर से यहाँ तक हम इस पर ये लेस अटैच करेंगे। तो चलिए, मैं इस पर अटैच कर देती हूँ, सीधी साइड से ही लगाऊंगी। चलिए लगा देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे कितने इजी तरीके से स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी देखिए सीधी साइड है, हम यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ ये जो कैप है इसी में से हमारी कैप भी आएगी। अब ये कैप का हम आगे वाला हिस्सा यहाँ पे थोड़ी दूर इस तरह से तिरछा स्टिच करेंगे।
चलिए मैं इसे सिल देती हूँ पहले, फिर बताऊँगी आपको आगे क्या करना है। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद फिर इसी तरह से ऐसे करेंगे, और करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखें इस तरह से ऐसे मार्क करना है। ये 2 इंच पे मैं लगभग कर रही हूँ, इस तरह से मार्क किया और इसे हम ऐसे गोल कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने गोल कर दिया, सेम मार्क हमारा यहाँ पीछे भी आएगा और इधर भी हम ऐसे गोल करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आएगा ये ऐसे। ये हमें यहाँ पे अपने कैप के लिए थोड़ा सा फिनिशिंग देना है, और वो फिनिशिंग हम देंगे सुई धागे की हेल्प से। ये देखें यहाँ पे इस तरह से सुई धागे की हेल्प से हम इसे सिलेंगे। छोटा छोटा सा हमें यहाँ पे इसे सिलना है, छोटी छोटी सिलाई लगानी है। अभी मैंने जो मार्क लगाया है बस उसी पे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच करते चले जाएंगे, ये ऐसे करके, बस ऐसे करके यहाँ पे स्टिच करके हमें इसे नॉट लगा देना है थोड़ा सा खींच के। ये हल्का सा हमने खींचा, बस यहाँ पे अब हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे स्टिच करके नॉट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे, और यहाँ से हमारा नेक है तो नेक पे थोड़ा दूर छोड़ें, और उसके बाद यहाँ पे हम इसे टक कर देंगे आपस में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे ही पहना सकते हैं बिना सिले, बट मैं यहाँ सिल रही हूँ तो देखें इस पे ऐसे मोती भी लगा दूंगी व्हाइट कलर में मोती। पहले तो अपने धागे को अच्छे से फंसाएं, और फंसाने के बाद मैं यहाँ पे मोती अटैच करूंगी तो वो हमारा बटन का काम करेगा। ये देखें ये इस तरह से एकदम सिंपल और आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसे बना सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं इस तरह की, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें और चाहें तो ना करें। ये देखिए कितना इजीली ये हमारा बनके रेडी हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा गाइस। ये देखिए मैं पहना के भी दिखाऊंगी कान्हा जी को कि किस तरह से आप इसे पहना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये मोती लगा देंगे तो ये हमारा बटन का काम करेगा। अब देखिए इससे ऊपर मैं सिर्फ एक को पकड़ के लगाऊंगी, अभी तक हम दोनों को पकड़ के मोती लगा रहे थे, बट इसके ऊपर हम सिर्फ एक पे लगाएंगे। पहले यहाँ पे अच्छे से लॉक कर देते हैं जिससे ये हमारा पहनाने उतारने में दिक्कत ना करे कान्हा जी को। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से 2 सिलाई मोती पे अपने लगाई। अब इसे उल्टा करूँगी और उल्टा करके इन दोनों को पकड़ के हम अच्छे से सिल देंगे। ये देखें इस तरह से एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा लॉक हो गया और एक मोती हम इधर सिर्फ एक पे लगाएंगे इस तरह से। तो ये देख के लगेगा कि एक बटन हमारे कान्हा जी की खुली हुई है और बहुत ही सुंदर लगेगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे लगा दिया। अब यही बस यहीं पे हम नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। देखिए हो गया हमारा, चलिए कट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारे ऊपर की शॉर्ट कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इस पे डोरी लगा सकते हैं बांधने के लिए, मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ अभी। और ये देखें ये हमारी जो रुमाल बची हुई थी इसमें से हम अपनी पैंट के लिए कट करेंगे। तो ये इधर से देखिए हमारा है 10 इंच इधर है। ये देखिए इधर से हम इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है इसमें से। देखिए मैं आपको बता देती हूँ मेजर करके, इसमें से हम कट करेंगे लगभग 3.5 इंच। ये इस तरह से यहाँ पे मार्क लगाना है। एकदम इजी तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे कट कर लिया। कट करने के बाद इधर से ये हमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे इस तरह से कट कर लेना है। इधर के साइड में हमें ये नहीं चाहिए, ये दिक्कत करता है थोड़ा सा। अब देखिए ये हमारा हो गया, ये है हमारी सीधी साइड, ये है उल्टी साइड। उल्टी साइड से हमने इसे इस तरह से मोड़ना है, और मोड़ने के बाद सिंपली इस पे एक बार सिलाई लगानी है। चलिए हम इसे सिल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब सिलने के बाद हमने यहाँ पे ये
इलास्टिक लिया है, इसे हम यहाँ पे रख के सिलेंगे। और यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं है इलास्टिक की, ऐसे ही रख के और जितना आप खींच पाए इसे उतना खींच के और सिल लेना है। चलिए सिल लेती हूँ। ये हमने यहाँ पे देखिए इलास्टिक अटैच कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है ऊपर इलास्टिक के पास। अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लें, ये देखिए ये दोनों को पकड़ के और सिल देना है। चलिए सिल लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब सिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिलाई लगाई यहाँ से इसे इस तरह से ऐसे बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ पे एक मार्क के लिए छोटा सा कट लगाएंगे। अब अपने इस कट को हम अपनी सिलाई से इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे हम वी शेप में सिलाई लगा देंगे। चलिए लगा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब सिलने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई के बाद उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे वी शेप में ही कट भी कर लिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। और ये ड्रेस आप 5 नंबर और 6 नंबर दोनों साइज के कान्हा जी को पहना सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये हमारी पैंट है और ये है हमारी शर्ट। देखिए बहुत आसानी से मैंने आपको इसे बनाना बताया। ये देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 नंबर को पहना के दिखा दिया है और एंड में देखिए ये 6 नंबर को भी पहना दिया। आप देखिए कितनी इजीली आ गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको इसे बनाना भी बताया हुआ है। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।